तीखा पूरी बनाने के लिए आपको नीचे दिए गए सामग्री की आवश्यकता है। अभी सभी सामग्री को आपको एक साथ मिलाना है। बट सॉरी, मैं ये वीडियो एक एक करके नहीं दिखा सकी, सॉरी फॉर द इनकन्वेंशन गाइस। मिक्सर अच्छी तरह से मिलाने के बाद आपको उसमें 2 टेबलस्पून हॉट ऑयल डालना है। बट मेक श्योर दैट योर ऑयल इज़ हॉट। और एक चीज़ बतानी थी आपको कि मैंने जो 2 टीस्पून मिर्ची पाउडर बोला है, मिर्ची पाउडर दैट मीन्स आप सब्जी में हमेशा जो आपका रेगुलर स्पाइस डालते हैं, जो मसाला डालते हैं, वही आपको 2 टीस्पून लेना है। अभी 1 ग्लास ऑफ वाटर हमने पानी लिया है, नॉर्मल वाटर है। सो वो थोड़ा थोड़ा मिला के आप आपका जो मैदा है वो गूंद लीजिए अच्छी तरह से। इसी तरह 1 ग्लास ऑफ वाटर है हमारे लिए बहुत हो गया, बहुत मीन्स सफिशिएंट क्वांटिटी में। अगर आपको लगता है कि थोड़ा पानी की ज़रूरत है तो आप 1 से 2 टेबलस्पून ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। आफ्टर अ गुड मिक्स 10 मिनट्स हो गए। सो आप देख रहे हैं कि डो का कलर कैसे चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ हमने जो इन्ग्रीडियंट्स डाले हैं उसमें। तो देख रहे हैं आप कितना स्टिफ बना है मेरा डो, उसी तरह ही आपका बनना चाहिए। मैदा अच्छी तरह से भूनने के बाद आपका जो डो बनेगा आपको 15 से 20 मिनट्स उसको रेस्ट करने के लिए रखना होगा। आफ्टर 15 से 20 मिनट्स आप देख सकते हैं मेरा डो ऐसा है, उसकी कंसिस्टेंसी देखिए। सो आपका भी डो ऐसा ही बनना चाहिए। इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि पानी ज़्यादा नहीं मिलाना है क्योंकि हम लोग को तीखा पूरी बनाना है, सो क्रिस्पी तो होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट डोंट मिक्स ओवर वाटर। सो आफ्टर दैट आपको आपके हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा के उसे एक बार वापस भूनना है, सिर्फ 2 मिनट तक। सो हम लोग किचन का फ्लोर यूज़ कर रहे हैं पूरी बेलने के लिए। आपको आटा लगाते हुए बड़ा बॉल लेके आपको फ्लोर पे इस तरह से बेलना है, जितना आप स्ट्रेच कर सकते उतना कीजिए। नॉर्मल चपाती हम लोग जिसमें बेलते हैं तो वो बहुत छोटा गिरेगा, इसके लिए तो आई एम यूजिंग किचन फ्लोर। बट मेक श्योर आपका किचन का फ्लोर साफ हो। वन मोर थिंग गाइस कि आपके पास अगर बेलने के लिए आपका मैदा ख़त्म हुआ हो तो आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। सो नॉर्मल हम लोग जैसे पूरी बनाते हैं वैसे ही हमको कट करना है। जो भी आपके पास कटर होगा उसे लेके आपको जितना भी साइज चाहिए वैसे कट कर लीजिए। नॉर्मल पोप लेके आपको पोप करना है उसको, ताकि आपकी पूरी क्रिस्पी बने। एक कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिए, उसमें तेल गरम होने के बाद आपको थोड़ी थोड़ी पूरी डालनी है। आपकी कढ़ाई अगर बड़ी हो तो बहुत अच्छा होगा, मेरे पास अवेलेबिलिटी छोटी की ही थी, सो आई एम यूजिंग स्मॉल कढ़ाई फॉर दिस। आपकी जितनी पूरी रहती है उसमें आप उतनी डाल लीजिए। पूरी को फ्राई करने के लिए आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। सो 2 से 3 मिनट में ये हो जाती है। मेक श्योर आपकी फ्लेम जो हो वो मीडियम टू हाई हो। जब पूरी डालें तब मेक श्योर कि आपकी फ्लेम हो मीडियम पे हो, 2 to medium हो। और पूरी तरह से सब पूरी आप जब भी डाल लेंगे तभी आपकी फ्लेम आपको हाई करनी है फ्राई करने के लिए। ऐसी सब ये जो टेक्निक है मैं बता रही हूँ, आप पूरी सब जब आप करेंगे सभी के लिए इस्तेमाल होगी आपको। सब की पूरी क्रिस्पी बनने में भी बहुत हेल्प होगी उसके लिए। आपको हिलाते रहना है पूरी, बट क्योंकि आपकी पूरी जो है वो जलने के बाद बहुत उसका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्लैकिश आता है तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो आपको हिलाते रहना है। ये जो पूरी है आप चाय में भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है और बच्चों को भी बहुत पसंद होती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगी।
अभी हमारी पूरी बिल्कुल बनके तैयार है। अब देख रहे हैं कितनी क्रिस्पी बनी है, और ये बहुत कुरकुरी रहती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। देख रहे हैं आप कैसे टूट रही है। अब ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी। सो हियर इज़ द फिनिश लुक ऑफ तीखा पूरी। आपको इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है। मैंने ये यूज़ किया है डब्बा। मैं तो ये चाय के साथ खा रही हूँ, और आप कब बना रहे हैं आपकी तीखा पूरी? प्लीज़ कमेंट बिलो।